गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। आज तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब कल से ही हो गई। सुबह सुबह तो हमें दवाखाना जाना पड़ रहा है। श्री की आँख में इन्फेक्शन टाइप का हो गया कुछ आते ही। न्यू आँख खुल जा रहा, दिखा बिटू, देखिए एकदम आँख अभी तो ठीक है बट कैमरे में नहीं समझ में आ रही है। पूरी आँख लाल लाल, पूरे शक्ल लाल लाल, पूरे फेस में पूरे दाने टाइप के हो गए थे। तो किस चीज़ का इसको एलर्जी या रिएक्शन हो गया। मेरे पास एलर्जी की दवाई थी, वो मैंने इसे दे दी बट फिर भी ठीक नहीं हुआ। हमने रात भर वेट किया बट अभी हम सुबह सुबह ही जा रहे हैं। दूध की बॉटल रख लेती हूँ, चलो दिखाओ बेटा, दिखा दिखा। ये देखिए पूरी आँख एकदम लाल लाल है, देखते हैं क्या हो गया है। चलते हैं से। तो ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, इनका छोटा सा क्लिनिक है। हम नहीं आ पाए थे तो हमें आना पड़ा कि क्लिनिक पे, क्योंकि और पेशेंट है, आपने देखा कैसे छोड़ के आ सकते थे, और हमें अर्जेंट था तो उन्होंने कहा कि आ जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि आई इन्फेक्शन हो गया है श्री को, क्योंकि ट्रैवल किया एसी, फिर बाहर धूप और घर जाते जाते बहुत ज़्यादा, और धूल मट्टी एलर्जी टाइप की एलर्जी, आई इन्फेक्शन, फीवर सब एक साथ हो गया। तो उसी को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ कर रहा था, तो अभी तो दवाई दिया है, अभी ठीक है, देखते हैं। कहा कि दो दिन देखिए करके, नहीं होगा तो फिर और प्रॉपरली चेक करेंगे, और शायद तो होप सो कि ठीक हो जाए। प्लीज़ आप लोग भी श्री के लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी श्री को ठीक के लिए थोड़ा भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए, उसके बर्थडे तक ठीक हो जाए सब प्रोग्राम के पहले। उन्होंने काफ़ी बड़ा सब कुछ अरेंज किया है उसके लिए ही, तो अगर ठीक हो जाएगा तो ही अच्छा रहेगा। तो देखिए तो रो रहा था, भी ठीक हुआ है, चलते हैं घर। अपने से चढ़ गया वो बिना किसी हेल्प के। अरे हो, कल आए हैं घर में, और अभी हलवाई आ गए हैं, मिठाई वगैरह बनना स्टार्ट हो गई है। कल है तो आज जल्दी प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरे सास हैं, ननद हैं, चाची सास, बुआ सास, और गांव के कुछ लोग ये सब पापड़ बना रहे हैं। मुंडन में पापड़ दिया जाता है, पापड़ वगैरह लगता है, तो वो पापड़ बना रहे हैं और भिगान वगैरह भिगाए। तो ये देखिए यही सब चल रहा है। इन दोनों बच्चों को जाना ही नहीं है किसी के पास। आ जाओ शिरू, आ जाओ बेटी, आ जाओ शिरू। तुम कैसे बच्चे हो गए हो? डंडा वाला पंखा लेके तुम सरक में दे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, जूजू बाय कर रहे हैं दोनों के दोनों सबको। तुम कार में घुमाते हो इसीलिए, जी के पास नहीं जाएंगे, कार में घुमाते हो ना इसीलिए। अभी लग रही है मेहंदी, कल सुबह प्रोग्राम है और अभी रात को हम बैठ के मेहंदी लगा रहे हैं। जा रही मिट्टू सब काम करने के बाद अब बैठ के मेरी मेहंदी लगा के दे रही है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मेहंदी वाली ने डिच कर दिया, तो सबको लग गई है और सिर्फ मैं बची हूँ और बिट्टू बची हुई है, तो हम लोग लगा रहे हैं। क्या करें, पूजा है घर में, शगुन के लिए लगाना पड़ेगा। पहले तो थोड़ी लगाने वाले थे बट होपफुली श्री भी परेशान नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि लगा लेते हैं अच्छे से,
पार्लर भी जाना है सुबह सुबह, देखते हैं वो भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होता है देखते रहिए। इतनी प्रॉब्लम चल रही है उसके बाद भी हम लगे हुए हैं सब वो अच्छी अच्छी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने में, जैसे मेहंदी लगाने से इसे हाथ ठंडा लग रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है, कमर तो दुखेगी बाद में क्या करें। गुलाब आ गया मेरा तो किसी रो रहा है, क्या बोल रहे हो नाटक कर रहा है। श्री की फोटो कहाँ है पापा के साथ है? अरे ओ फोटो खींच रहे हैं तुम्हारी, बताओ जल्दी क्या बना रही हो? गुलाब जामुन रसगुल्ला है, मुझे लगा गुलाब जामुन है। नहीं एक हाथ में हो गई है, फिर मछली को सुला के आई और अब दूसरे हाथ में भी लगवा रही हूँ, कंटिन्यू बिट्टू को परेशान कर रही पड़ी हूँ। हाँ सबके लग गई है, हाँ तुम्हारे भी लग गई, लड़कों ने भी लगवा ली, किसी ने कोई नहीं छूटना चाहिए श्री के बर्थडे मुंडन के लिए। कोई छूटना नहीं चाहिए, सब लगे हुए हैं तैयारी में। मुझे तो आज ऐसी फील आ रही, येलो साड़ी विथ मेहंदी, शादी हो रही मेरी फिर से हल्दी मेहंदी चल रही है, लगाओ हल्दी वल्दी लगाओ मुझे हल्दी लेके आओ, बस तैयारी हो रही है ना, मेहंदी लग गया उसके बाद फिर हल्दी लगेगी है ना, गोरी हो जाऊंगी थोड़ा, डांस भी होगा, डांस वांस करो कुछ कुछ होगा ना अभी, कल होगा तो कल होगा देखिए कैसे हैं। तो अभी मेरी हल्दी मेहंदी चल रही है ना, तो दीदी वो चलाए तो चलो मैं गाने लगाती, डांस करो। हाँ लगाइए, ये देखिए कितने स्मॉल स्मॉल डिज़ाइंस, कितने डिटेल में वर्क हो रहा है, इसलिए तो मुझे दुल्हन वाली फील आ रही है। मैं बजरंग बली हूँ, पहाड़ उठा सकता हूँ, हाँ क्रोध में आ जाऊँ तो कागज मरोड़ सकता हूँ, सिर्फ कागज। तुम लोग बात मत कराओ यार, मुझसे हिल जाता है बिट्टू, गुस्सा आ जाएगा बिट्टू को। तो यही सब चल रहा है, और सॉरी मैं मेहंदी का पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इशू हो गया था, पर तो बहुत ही अच्छे से लगा दी हैं बिट्टू ने, पता नहीं मैं आपको लोगों को कैसे कहाँ ऐसे अच्छी दिख रही है, बिट्टू ने बहुत ही अच्छे से लगा दी हैं ये हाथ में भी, ऑलमोस्ट रच गई है। अभी इसे छुड़ाया और अभी इसमें सरसों का तेल लगाऊंगी और बस रात भर रख दूँगी, बस तैयारियाँ चल रही हैं कल की पूजा के लिए और मुंडन वगैरह के लिए, तो बस यही सब चल रहा है, यही सब करने के दिन बहुत थक गए, हम खाना खा के आराम करेंगे, कल सुबह जल्दी उठना है, कल बहुत बड़ी पूजा है हमारे यहाँ, रामचरितमानस का पाठ है, तो कथा है पाठ है, और ये लड़का भी नहीं सोया, क्या कर रहे हो तुम बदमाश हो? इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी पूजा और मुंडन श्री का बर्थडे सब सेलिब्रेशन होने वाला है, वो ये सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नेक्स्ट ब्लॉग में।